हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 21। तो लेसन नंबर 21 में आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एज अ पैराग्राफ की शक्ल में। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको लेक्चर नंबर 17 अच्छे तरीके से आना चाहिए। लेसन नंबर 17 में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो उसमें हमने देखी थी कि उर्दू में अलामत किस तरीके से थी और उसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना था। तो उर्दू में अलामत क्या थी, रहा है, रही है, रही है वगैरह आ जाए और वक़्त का जिक्र ज़रूर होता है। और इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट किया था, तीन तरीकों से, एक था अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव जिसे सिंपल भी सेंटेंस बोल सकते हैं, तो उसमें हमने क्या करना था, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है जैसा कि ही शी इट या सिंगुलर पर्सन आ जाए उसके साथ हमने लगाना था हैज़ बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का यूज़ फिक्रे को देखते हुए लगाना था। और अगर प्लूरल आ जाए, ज़्यादा आ जाए, आई वी दे यू और प्लूरल पर्सन आ जाए तो उनके साथ हमने क्या करना था, हैव बीन लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी एंड ing का इजाफा, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का यूज़ करना था। ये हो गया अफर्मेटिव। इस तरीके से अगर नेगेटिव की बात करें तो उसमें क्या करना था, सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़ नॉट बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर का यूज़। फिर अगर प्लूरल आ जाए तो उनके साथ हैव नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज़। और लास्ट वाला था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हमने क्या किया था, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ और हैव, उनको फिक्रे के शुरू में ले जाते हैं। तो हैज़ अगर सिंगुलर पर्सन आ जाए तो हैज़ आता है, हैज़ कहाँ आ जाएगा, शुरू में हैज़, फिर सब्जेक्ट आता है सिंगुलर पर्सन वाला, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। और अगर प्लूरल आ जाए फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैव, फिर सब्जेक्ट्स प्लूरल वाला, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज़। तो लेसन नंबर 17 को अच्छे तरीके से करने के बाद आज 21 लेसन नंबर में हमने तीनों सेंटेंस जो थे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को मिक्स करके एक पैरे की शक्ल दे दी है। और आज हम वो वाला उसको उर्दू से इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आज वो देखना है। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फिक्र है वो है, मैं सुबह से ये नज़म याद कर रहा हूँ, मैं सुबह से ये नज़म याद कर रहा हूँ। तो एक तो टाइम का जिक्र है और लास्ट पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह भी आ चुका है। तो ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो सबसे पहले हम मैं की इंग्लिश लगाते हैं, आई, आई है प्लूरल, प्लूरल के साथ लगेगा हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज़ देखते हुए कि वक्त का जिक्र आया है, कौन सा आया है, तो सुबह से है तो सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन लर्निंग दिस पोइम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये नज़म याद कर रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग दिस पोइम सिंस मॉर्निंग, तलबा दोपहर से आराम कर रहे हैं, तलबा दोपहर से आराम कर रहे हैं, वक्त का जिक्र और रहा, रही, रहे वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो प्लूरल में चला गया, हैव बीन लगेगा। स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्टिंग सिंस नून, स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्टिंग सिंस नून, हम एक घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, हम, वी होता है, प्लूरल में आया, हैव बीन लगेगा, हम एक घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर, वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। नेक्स्ट है हमारा, वो दो साल से इस मदरसे में पढ़ा रहा है, वो दो साल से इस मदरसे में पढ़ा रहा है। एक तो टाइम का जिक्र आया है और दूसरा रहा, रही, रहे वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का वो है, वो की जगह ही लगाएंगे, ही इज अ सिंगुलर, सिंगुलर यूज किया तो हैज बीन लगेगा, ही हैज बीन
टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर टू ईयर्स, मदरसा हो या स्कूल हो या तो कुछ भी है, स्कूल ही आता है उसके लिए. ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर टू ईयर्स, ये नौकर कई सालों से यहाँ काम कर रहा है. ये नौकर कई सालों से यहाँ काम कर रहा है. ये नौकर है तो एक है तो इसके लिए भी हैज लगेगा, सिंगुलर है. दिस सर्वेंट, ये नौकर हैज बीन वर्किंग हेयर, यहाँ काम कर रहा है, फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से, इसलिए फॉर का यूज किया है. दिस सर्वेंट हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स, वो दो घंटों से सो नहीं रहा है. अब नहीं का जिक्र आ गया यहाँ पर तो नेगेटिव की बात शुरू हो गई है. वो दो घंटों से सो नहीं रहा है तो ही है, वो है सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा हैज, हैज के बाद नो लगा देते होते हैं नेगेटिव में. ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स, वो दो घंटों से सो नहीं रहा है. तलबा दो दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं, टाइम का जिक्र ऊपर से नहीं आया है और रहा रही रहे वगैरह जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव वाला सेंटेंस है. तलबा दो दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं. स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर टू डेज, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर टू डेज. तालाब में मेंढक शाम से नहीं लड़ा रहे हैं, तालाब में मेंढक शाम से नहीं लड़ा रहे हैं. द फ्रॉग्स हैव नॉट बीन क्रोकिंग इन द टैंक सिंस इवनिंग, शाम से. द फ्रॉग्स हैव नॉट बीन क्रोकिंग इन द टैंक सिंस इवनिंग. नेक्स्ट हमारा है, क्या सुबह से ओले पड़ रहे हैं. हैज इट बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से ओले पड़ रहे हैं. अब इसमें टाइम का जिक्र आया है, रहा रही वगैरह भी आया, क्वेश्चन मार्क भी है, तो हम इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, इंटरोगेटिव में. हैज इट बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग, हैज इट बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क. क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो, क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो. हैव यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, Have you been taking exercise since morning and question mark. क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है, क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है, interrogative का question mark से पता चला. Has the crowd been raising slogans since noon, Has the crowd been raising slogans since noon and question mark. तो इस तरीके से हमारा लेसन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है. उम्मीद है दोस्तों आपको लेसन नंबर 21 बिल्कुल समझ आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें. और नेक्स्ट हम लेसन नंबर 22 में पास्ट के टेंस यूज, पास्ट का टेंस शुरू करेंगे. तो तब तक के लिए गुड बाय.